देहरादून में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पेनेशिया अस्पताल परिवार ने निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस अवसर पर दूर दूर से पहुंचे मरीजों ने निशुल्क में मेडिकल विशेषज्ञों से परामर्श लिया और अस्पताल की तरफ से मरीजों के लिए निशुल्क में दवाइयां भी वितरित की गई। शुभम जी, आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो 26 जनवरी की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने पेनेशिया हॉस्पिटल की तरफ से एक फ्री हेल्थ कैंप लगाया है, जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे से हमने स्टार्ट कर दिया है। इसमें हमने अपने सभी प्रदेशवासियों के लिए फ्री हेल्थ कैंप लगाया है, जिसमें दवाइयों में 50% की छूट की है और जो लैब है, खून की जांचें हैं, उसमें भी 50% की छूट की है। परामर्श, जो परामर्श है उसका भी कोई शुल्क रहा? नहीं नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका हमने प्रदेशवासियों के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। इसमें हमारे डॉक्टर, मेडिसिन विभाग के डॉक्टर सुनील भट्ट बैठे हैं, न्यूरो डिपार्टमेंट में डॉक्टर समीर जी बैठे हैं और अपना पेडियाट्रिशियन में डॉक्टर राजू श्रीवास्तव जी बैठे हैं और गायनी में डॉक्टर हमारी प्रियंका अग्रवाल मैम अभी बैठी हैं। और जो कि ये प्रदेशवासियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क कैंप है, इसमें इनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस तरह से हॉस्पिटल की तरफ से आयोजन किया जा रहा है, क्या इस आयोजन का वो था लक्ष्य? हॉस्पिटल में हमने कैंप रखा है, मेडिकल कैंप है। इसमें जितने भी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, गायनी हो गया, सर्जरी है, इन सब का हमने कैंप रखा है। कैंप में हमने इन्वेस्टिगेशन पर 50% ऑफ रखा है और मेडिसिन हम फ्री दे रहे हैं लोग, तो जनहित के लिए किया है 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर। तो आशा है कि हम जितने भी मरीज आएंगे उनका ठीक से इलाज करेंगे और मरीजों को पूरी पूरी संतुष्टि देंगे। अपने पेशेंट्स को सर, आज गणतंत्र दिवस है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के? अभी मैसेज ये देना चाहेंगे कि अभी जो हाल ही में जो कोरोना हुआ था, वो अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी उसके लिए हमको बचाव रखना है, जैसे मास्क पहनना है, मास्क पहन के घूमना है, सोशल गैदरिंग का पालन करना है। और इस अवसर पर अस्पताल की तरफ से विशेषज्ञ डॉक्टरों को इस शिविर के लिए बुलाया गया था। प्रदेश के जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर ए सिंह और डॉक्टर जावेद खान न्यूरो सर्जरी विभाग ने मरीजों को देखा। वहीं एमडी मेडिसिन डॉक्टर सुनील भट्ट ने भी कई मरीजों को इस दौरान अपनी विशेष सलाह दी। सर, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस तरह का आयोजन आज अस्पताल की तरफ से किया गया है, कितने स्पेशलिस्ट हैं, क्या अपने जो आपके पेशेंट हैं उनके लिए आपने आज सौगात दी है? देखिए, आज हम लोग पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में पेनेशिया हॉस्पिटल ने एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया है, जिसमें फिजिशियन, जनरल सर्जन, न्यूरो सर्जन, गायनी और स्किन स्पेशलिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और ये सभी चिकित्सा शिविर कोविड-19 के नियमों के ध्यान को रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रखा जा रहा है, जिसमें दवाइयां भी रोगियों को निःशुल्क दी जा रही है। सर, कितने मरीज देखने का लक्ष्य, मतलब कुछ ऐसा टारगेट की चाहिए जितने मरीज आ जाएं? नहीं, इसमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें तो 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जितने भी पेशेंट आएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि उन सभी को उनकी जांच का लाभ दिया जा सके। ये कैंप जो है पेनेशिया ट्रस्ट की तरफ से लगाया गया है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें मैं डॉक्टर ए सिंह न्यूरो सर्जन, यहाँ पे न्यूरो और स्पाइन से संबंधित सारे मरीजों के लिए हम यहाँ उपलब्ध हैं। जिसे स्पाइन की, कमर दर्द, सर दर्द, चक्कर, अनिंद्रा, मिर्गी आना, चलने में दिक्कत, लड़खड़ाहट, कोई भी ऐसी समस्या है जिससे वो लंबे समय से ग्रसित है, जो या नहीं उत्पन्न हुई है, उसके लिए वो हमें संपर्क कर सकते हैं। उसका यहाँ फ्री में कंसल्टेशन है, आज निःशुल्क शिविर है ये, और जो भी पर्याप्त जाँच है वो यहाँ कराया जाएगा। सर, कितने बजे तक रहेंगे सर आप? 11 से 4 बजे तक हम यहाँ पे आज निशुल्क शिविर में उपलब्ध हैं। बता दें कि सुबह से ही अस्पताल में मरीजों का तांता लग गया था। दूर दूर से पहुँचे मरीजों ने सोशल डिस्टेंस के साथ धैर्य पूर्वक विशेषज्ञों से सलाह लेकर स्वास्थ्य लाभ लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।